हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद विशु। और हम आज आ चुके हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, लेकिन उससे पहले हम टिकट लेंगे एंड उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल में। तो पहले चलते हैं टिकट लेने, फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है यहाँ का टिकट काउंटर और ये मैं टिकट लेता हुआ चलते हैं अंदर, फिर मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ यहाँ की। तो गाइज, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और मैं आपको अब डिटेल्स बता देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे वीकडेज पे नॉर्मल टिकट प्राइस रहता है एंड वीकेंड पे इसका डबल हो जाता है प्राइस। यानी अभी 50 रुपये की टिकट है तो वीकेंड पे 100 रुपये की हो जाएगी वो टिकट। और यहाँ पे स्कूल के बच्चों को छूट है और यहाँ पे खाने पीने की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे वेस्ट ऑफ वंडर देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप ई रिक्शा से भी आ सकते हो। और ये है यहाँ की पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग बड़ी है तो आप आराम से अपने 4-व्हीलर से आ सकते हैं। पार्किंग चार्ज है 40 रुपीज़ 1 आवर एंड उसके बाद पर आवर 20 रुपीज़। आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड्स के 7 वंडर, बट उनमें और इनमें बस ये फ़र्क है कि ये वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो चलिए फिर देखने चलते हैं। तो गाइस, आपको एंट्री करते ही सबसे पहले देखने को मिलेगा ये पहला स्ट्रक्चर जो कि गिज़ा ऑफ पिरामिड है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हो वेस्ट ऑफ बहुत सारे वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रॉड टाइप कुछ है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मेरे को रोड से नज़र आ रही है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, ये फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है और अभी तो खैर दोपहर का टाइम है, बट आप यहाँ पे जैसे इवनिंग होता है तो यहाँ पे और भी अच्छा दिखता है, इसमें लाइटिंग होती है इवनिंग को। तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर मैं इवनिंग तक रुका तो शायद मैं दिखाऊँ आपको वो चीज़ भी। तो फिलहाल चलते हैं अब नेक्स्ट मंदिर की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कुछ नहीं। आपका सेकंड विंटर आएगा तो देख सकते हो लोग यहाँ कितना इंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही, करना आएगा बहुत कम भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जा रहे तो भीड़ बढ़ता ही जा रही है। तो पीछे से नॉइज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है MCT की तरफ से, तो उसके लिए सॉरी। अब बढ़ते वीडियो में आगे, आ जाओ। तो गाइस, जैसा कि गर्मी है और अगर आप दूर से आ रहे हैं और थके हुए हैं तो यहाँ पे ऐसे बीच बीच में बनाए गए हैं बैठने के लिए, सिटिंग एरिया बनाया गया है, तो आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो थोड़ी देर, और फिर आप अपना पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो आराम से, इन्जॉय कर सकते हो पार्क में। बस इतना ही था, तो आप आगे बढ़ते हैं। लीडिंग टावर ऑफ पीसा और ये है यहाँ का सेकंड वंडर, और ये यूरोप के पीसा शहर में स्थित है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं। तो गाइस, जो वहाँ पे नहीं जा सकता वो यहाँ पे आके इसको विजिट कर सकते हैं। वैसा तो नहीं है लेकिन सेम वैसे ही उसकी तरह ही है, और काफ़ी झुका हुआ भी है, उसकी तरह ही झुका हुआ भी है, तो आप आ सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पर विजिट करें। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वंडर की तरफ।
थर्ड वंडर, और उसको तो हर कोई जानता ही है, आईफिल टावर जो कि पेरिस में है। गाइस यहाँ पे कोई बैरियर नहीं लगा रखा, तो मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ कि कैसा है। जरूरी आगे चलिए, इससे पहले गार्ड भैया आ गए। ये मैं टच करके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल लोहे का ही है, और भी इसमें काफ़ी वेस्ट मटेरियल यूज है जिसको मैं पहचान तो नहीं पाऊँगा, क्योंकि सारी इसका कलर पूरा वैसा कर रखा है लोहे के कलर की तरह। बट ये है लोहे का, इसको टच करके फील हो रहा है ये लोहे का है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। तो गाइस ये देखो, जरा मैं पास से दिखाना चाहूँगा। ये इंडिया में ज़्यादातर बालकनी में यूज़ होता है, हमारे बालकनी में ऐसा डिज़ाइन होता है, तो शायद ये वही है, इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है, अच्छे तरीके से, मतलब वेस्ट से इतना अच्छा चीज़ बनाई जा सकती है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने फोर्ड वंडर की तरफ, जिसका नाम है यहाँ से, तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं। बहुत ठंड हो रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। आओ फिर। तो गाइस एक और मैं चीज़ आपको यहाँ से बता दूँ कि अगर आप अपने घर से खाना, पानी की बोतल ये सब कैरी करके लाना चाहते हो तो ला सकते हो, यहाँ पर कोई भी उसके लिए मना नहीं है, ना उसकी चेकिंग होती, वो सब आपको अंदर लाने दिया जाएगा, घर से ला के चीज़ें यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस ये पार्क फैमिली एंड फ्रेंड्स और कपल फ्रेंडली भी है, तो हर कोई आ सकता है, बट यहाँ पे वैसी वाली हरकतें ना करें, वैसी वाली समझ रहे हो, वैसी वाली, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। पीछे पार्किंग है, उनके गाने चल रहे हैं, तो डांस भी कर सकते हो आप लोग। ये है यहाँ का फोर्थ वंडर, जिसका नाम है क्लोजियम, और ये इटली में स्थित है, बट आपको यहाँ पे इटली वाले मज़े आ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता हो तो। इसके ऊपर एक मूवी भी है, वो सब छोड़ते हैं, मैं आपको बता दूँ इसमें यूज़ किया गया है ऑटो पार्ट्स, ऑटो के जो होते हैं पार्ट्स वो यूज़ किए गए हैं, टायर्स यूज़ किए गए हैं इसको बनाने के लिए। और ये अभी तो ऐसा, बट जब रात होती है तो इसमें लाइट जलते हैं, यहाँ पर जो भी आपको गोल गोल दिख रहा है उन्हों में लाइट जलती है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी तो शाम हो चुकी है, थोड़ी देर बाद हो सकता है शायद अगर हम यहाँ पे रुके तो फिर मैं दिखाऊंगा इसको दोबारा, तो चलते हैं अब आगे। आपको ये वाला रास्ता जाने को मिलेगा, और इस रास्ते से जाते आपको फिफ्थ बंदर देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया आप लोग तो सुन ही चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं, नेक्स्ट वंडर क्या होने वाला है, चिल्ला चिल्ला के स्कीमें तो बता दी सारी बच्चे ने, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वंडर की तरफ। आ जाओ, आ जाओ। तो भाई ये यहाँ का सबसे खूबसूरत और दुनिया का सातवां जुआ तो है, तो डेफिनेटली खूबसूरत तो भाई खूबसूरत वंडर होने वाला है। आइए चलते हैं, दिखाता हूँ क्या है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आके आपको सिटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा, एंड मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ मैं पार्क घूम घूम कर एक्सप्लोर करके यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाहर के लोग भी घूमने आते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं आ सकते, आ सकते हो आप लोग। और आप यहाँ पे भीड़ भी देख सकते हो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये यहाँ का सब में फेवरेट वंडर है, और यहाँ पे लोग काफ़ी फ़ोटो शूट करवाते हैं, आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे फ़ोटो शूट, जब भी आप आओगे यहाँ, ये आपको खाली मिलने वाला ही नहीं है, फोटोशूट होता ही रहता है यहाँ पे, जब तक खाली होने का फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी कि शांति नहीं थी, मैं बोल नहीं पाता। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा इसके बारे में, कहाँ है ये, कहाँ नहीं है, आगरा में स्थित है ये, और आप लोगों में से ज़्यादा लोग गए होंगे, तो जो आगरा नहीं जा सकते या जिनको देखना ये, तो ये वो यहाँ भी आ सकते हैं बेसिकली। अगर नहीं आपको आगरा जाना है तो आप आगरा जाओ, ओरिजिनल वालों में फोटो खिंचवाओ, ओरिजिनल वाला एक्सप्लोर कर गया। फिलहाल हम चलते हैं आगे,
शाम हो चुकी है और मुझे बहुत सारे काम है, जाना भी है मेरे को कहीं, और जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं। तो चलो फिर आ जाओ। तो गाइस ये है यहाँ का सिक्स वंडर और इसका नाम है रियो रिडीमर, और इसके भी उसमें वेस्ट, पूरा वेस्ट यूज़ हुआ है, ऑटो पार्ट्स, साइकिल की चेन्स, इन सब कुछ बना हुआ है। आओ देखते हैं कैसा। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट वंडर की तरफ लेके चलने वाला हूँ, उससे पहले एक बार भीड़ देख लो आप कितनी हो रही है। देख लिया गाइस भीड़, मतलब ये वंडर से ऐसा है ये पार्क, यहाँ पे कभी भी खाली नहीं मिलता। तो गाइस अभी वीकडेज चल रहे हैं, ये वीकेंड नहीं है आज को, यहाँ पे सैटरडे संडे नहीं है आज, फिर भी इतनी भीड़ है, और सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस लास्ट विंडर की तरफ जाने के लिए इसके सामने से रास्ता है, तो आप यहाँ से चलो फिर जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करके निकलते हैं घर को। लेकिन उससे पहले सैटरडे विंडर का लास्ट विंडर देख लेते हैं। तो गाइज ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई नो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने इसको टीवी में, मूवीज़ में देखा होगा। और गाइज ये चिल्ड्रंस लाइट से बना है, जो चिल्ड्रन मतलब जो बच्चों के झूले होते हैं ना, उससे बना हुआ है ये, उसके मटेरियल्स यूज है इसमें, एंड वही साइकिल की चेन्स, पाइप्स वगैरह, टोटली वेस्टेड मटेरियल यूज है इसमें। ये देखने में कितना ब्यूटीफुल है आप देख सकते हो। तो गाइस ये था यहाँ का लास्ट वंडर, अब हम चलते हैं फूड एरिया की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या कैसा कितने का मिलता है। चलते हैं दिखाता हूँ महंगा है या सस्ता है। आओ गाइस यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों, आओ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक और अच्छी जगह है सेवन वंडर्स को छोड़ के, और भी अच्छी जगह है, देखते हैं क्या है। जैसे आप इस छोटे से पुल से नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहाँ से जाना है और फूड एरिया की तरफ, ये एरिया फूड एरिया, ये ट्रैक फूड एरिया की तरफ जाता है, बोला कि नहीं आ रहा, गला सूख गया इस वजह से, ये ट्रैक फूड एरिया की तरफ जा रहा है। तो आओ चलते हैं और मैं आपको फूड एरिया दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का। तो फूड एरिया की तरफ जाते जाते आपको ऐसा एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप पहाड़ी पत्थर है ये, यहाँ पे इस पे बैठ के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। भाई जो सामने वाला रास्ता एंट्री का है, ये रास्ता जहाँ पे फूड कोर्ट की तरफ से होते हुए एक्सिट को, अगर आप रास्ता बाई तरफ भटक भी जाते हैं या रॉन्ग रूट में आ जाते हैं, रॉन्ग ट्रैक पे आ जाते हैं, यहाँ पे गार्ड भैया होते हैं जगह जगह, वो आप लोगों को इंडिकेट कर देंगे सही रास्ते पर जाने के, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं सब रॉन्ग रास्ते पर जा रहे हैं, बट उसके बाद सही रास्ते पर जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये एंडिंग है और वो स्टार्टिंग है जहाँ से लोग जा रहे हैं, बात का ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं फूड कोर्ट। तो गाइस देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ का फूड कोर्ट, थोड़ा इतना बड़ा है, इतना भी है, देख लो आप लोग, आपको यहाँ पे सीटिंग एरिया मिल जाएगा आराम से बैठने का, इस टाइम मिल जाएगा क्योंकि ये अभी वीकडेज चल रहे हैं, अगर आप वीकेंड में आओगे तो मुश्किल है सीटिंग एरिया, क्योंकि ये मेरी सेकेंड वीडियो है, एक वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी थी जब मैं आया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वो वीकेंड था, और अभी वीकडेज है तो थोड़ा खाली है, क्राउड नहीं है इतना, बट ठीक है। आओ चलते हैं अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है।
तो गाइस मैं आपको पार्क दिखा चुका हूँ, फूड कोर्ट दिखा चुका हूँ, मतलब फूड एरिया दिखा चुका हूँ। अगर आप अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही रीजनेबल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की टिकट प्राइस 50 रुपीज़ है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और यहाँ पे कार पार्किंग भी अवेलेबल है, आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हो, आप मेट्रो से भी आ सकते हो। मैंने आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी दिखा दिया स्टार्टिंग में, और पार्किंग चार्जेस भी बता दिए हैं। तो सब मिला के, टोटल मिला के अच्छी जगह है काफ़ी, और सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, खाने पीने से लेके पार्किंग तक। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छे लगे तो यार शेयर कर देना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।